यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना होगा, जितना भी ट्रांजेक्शन किए होंगे यहाँ पे आपको देने को मिल जाएगा। टोटल कितना पैसा का आपका यहाँ पे ईएमआई बनेगा यहाँ पे आपको देने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपके पास भी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और दोस्तों आप उस क्रेडिट कार्ड से कोई भी खर्च करते हैं, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप पैसा को विड्रॉल करते हैं या फिर दोस्तों आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो फिर दोस्तों आप जितना भी खर्च किए होंगे आपका जब भी बिल जनरेट होता है उस डेट में सबको जोड़ के आपको भेज दिया जाता है कि इतना रुपया आप पे कीजिए वन टाइम में, और वहाँ पे आपको एक ड्यू डेट दिया जाता है, ड्यू डेट से पहले आपको पे करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि खर्च ज़्यादा हो जाने के कारण पैसा नहीं हो पाता है, तो आप चाहते हैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा को खर्च करते हैं आप उस पैसा को ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीका है। पहला दोस्तों आप यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों आप कस्टमर केयर में कॉल करके आईवीआर के मदद से आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप दे सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल विपिन। चलिए शुरू करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग चालू करना होगा। तो एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग चालू करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ इस वेबसाइट पर आ जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह से होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सीधे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपके पास अकाउंट होगा, अगर आप नेट बैंकिंग पहले से चला रहे होंगे तो आप यहां अपना कस्टमर आईडी या फिर यूजर आईडी डाल के आप यहां कंटिन्यू पे क्लिक करके पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर दोस्तों आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, आपके पास अकाउंट नहीं है, तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको न्यू मिलेगा डोंट हैव ए एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू मिलेगा क्रेडिट कार्ड लॉगिन हियर, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का नेट बैंकिंग अभी तक नहीं चालू की है तो सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का नेट बैंकिंग भी चालू करना होगा। तो क्रेडिट कार्ड से एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग कैसे चालू किया जाता है इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। तो वो वीडियो देख के आप बहुत ही आसानी से सिर्फ क्रेडिट कार्ड से आप अपना नेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग चालू करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ अपना यूजर आईडी डालिएगा, जो भी आप अपना यूजर आईडी बनाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे, जो भी आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन, आप यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कौन सा आपका क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली दोस्तों आप यहाँ देंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्विक लिंक, और इसी में दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कन्वर्ट स्पेंड टू ईएमआई। सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल क्रेडिट लिमिट आपका कितना दिया गया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जितना भी आपका अनबिल्ड अमाउंट होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी आपका पैसा इस मंथ में खर्च हुआ होगा, जो भी अनबिल्ड अमाउंट होगा, तो उस पैसा को ही आप दोस्तों ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस बिल को आप ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देंगे कन्वर्ट अनबिल्ड अमाउंट टू मंथली इंस्टॉलमेंट, सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मिनिमम आपका 2500 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर 2500 से कम का होगा तो वो पैसा को आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी 2500 या फिर 2500 से ज्यादा होगा उसी को आप यहाँ ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका 2500 रुपये से कम का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो दोस्तों आपका अगला बिल के साथ जोड़ के आ जाएगा, और उस पैसा को आपको ड्यू डेट से पहले पे करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना होगा, जितना भी ट्रांजेक्शन किए होंगे यहाँ पे आपको देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 2500 से एक ही ज़्यादा है, यहाँ पे 20,508 रुपये, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कितना ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ सबको सेलेक्ट कर लेंगे, जितना यहाँ पे हो पा रहा है 2500 से ज़्यादा का होगा सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2500 के ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ एक ही है, 20,508 रुपये का सिर्फ एक ही है, बाकी यहाँ पे 102 रुपया, यहाँ पे 80 रुपया।
जाएगा। तो यहाँ पे ए ट्रांजेक्शन सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ए 2500 से कम का है। जो 2500 से कम का है उसको ड्यू डेट से पहले पे करना होगा, जो 2500 से ज़्यादा का है उसको आप यहाँ ई एम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दोनों मिलेगा आप कितना ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आपको दोनों मिलेगा टोटल कितना पैसा का आपका यहाँ पे ई एम आई बनेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तो सिंपली आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आप यहाँ सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टर्न रेट सेलेक्ट करना होगा, यानी दोस्तों आप कितना दिन में आप इस पैसे को पे करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ 6 महीने में इस पैसे को पे करना चाहते हैं तो 6 महीने में दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं इतना पैसा आपको इंटरेस्ट लगने वाला है और जो भी आपका मंथली बिल आने वाला है यहाँ पे आपको देने को मिल जाएगा, इतना पैसा आपका मंथली बिल आएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे 12 महीने का सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका मंथली इंस्टॉलमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कितना दिन में इस पैसा को पे कर देना चाहते हैं। जो भी दोस्तों आप यहाँ पे टर्न सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको देने को मिल जाएगा, इसका इंटरेस्ट रेट बगल में आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे में दोस्तों यहाँ पे आपको मंथ भी देखने को मिल जाएगा कि इतना पैसा आपको मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा और ये पैसा आपके जब भी बिल आएगा उसमें आपका जोड़ के आ जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने हिसाब से मंथ सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इस टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे आपको एक बार डिटेल दिखाया जाएगा जो भी आप पहले सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका लोन अमाउंट कितना हो रहा है, यहाँ पे टर्न एंड रेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ एक बार सही से कन्फर्म हो जाएंगे, इसके बाद तो आप यहाँ नीचे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, तो वो OTP यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ OTP डाल के यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो फिर दोस्तों आपका यहाँ पे जो भी अनबिल्ड अमाउंट होगा, जो भी आप सिलेक्ट किए होंगे, वो पैसा आपका यहाँ पे EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी पैसा आप खर्च किए होंगे उस पैसा को बिल जनरेट होने से पहले दोस्तों आप यहाँ EMI में कन्वर्ट कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बिल जनरेट होने के बाद दोस्तों आप करना चाहे तो आप यहाँ कस्टमर केयर पे कॉल करके आप IVR की मदद से आप सारे पैसा को EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। ऑनलाइन तरीका से अगर आप करना चाहेंगे तो आप बिल जनरेट होने से पहले दोस्तों आप यहाँ पे कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे OTP डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका EMI में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी आपका मंथली इंस्टॉलमेंट होगा वो आपका अगला जो भी बिल आएगा उसमें दोस्तों आपका जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा और उसको आपको ड्यू डेट से पहले पे करना होगा। और हाँ, जितना भी पैसा का आप EMI बनवाएंगे उतना पैसा आपके कार्ड लिमिट से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों आपका पैसा सधेगा वैसे वैसे दोस्तों आपका कार्ड लिमिट में पैसा बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना EMI में कन्वर्ट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि दोस्तों मैं इसको यहाँ पे 1 टाइम में पे कर दूंगा जब मेरा बिल आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी तरीका बताया गया है अगर आप उसको सही से फॉलो करते हैं तो आपका 100% जो भी आपका अनबिल्ड अमाउंट होगा वो आपका EMI में कन्वर्ट हो जाएगा और EMI में कन्वर्ट हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ मंथ बाई मंथ उस पैसा को पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से बहुत ही आसानी से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड से जितना भी पैसा खर्च किए होंगे आप इस तरह से इसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ भी शेयर कीजिए। सो इसके बाद भी दोस्तों आप लोग का मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।